कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश से 75 जिलों से लोग आए हैं और लगभग हर ब्लॉक से हमारे पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया है और अब तक इस संस्था के माध्यम से 78 परिवारों को 14 करोड़ रुपए की मदद की जा चुकी है। जो शिक्षक हमारे बीच में है उनके परिवारों को 78 करोड़ रुपए की मदद की। संस्था का क्या उद्देश्य है था? हमारी संस्था का उद्देश्य है कि जो भी हमारे देश और माध्यमिक शिक्षा परिषद जब तक आने वाले शिक्षक अगर उनकी असामी हो जाती है तो उनके परिवारों को हम लोग सीधे उनके खाते में आर्थिक सहायता मिल जाए और हम ये कार्य बखूबी कर रहे हैं। अब तक 18 लाख 20 लाख रुपए हर परिवार को करने का कार्य कर रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ सीधे उनके खाते में। कार्यक्रम में प्रमुख तौर से कौन शामिल हुआ? इस कार्यक्रम में हमारे पूरे प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं वो सक्रिय सदस्य हैं। वो इसके साथ साथ हमने कुछ जीवन परिवारों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया है। मुख्य अतिथि तौर पर माननीय कारागार मंत्री सुरेश रानी और हमारे महानिदेशक आनंद जी यहाँ पर उपस्थित रहे। मैं संजीव आज के इस अवसर पर शिक्षकों से क्या कहेंगे आप? आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा आप टीचर हेल्थ टीम से सभी शिक्षक करें और सहयोग की भावना सभी के अंदर होती है। सभी को सहयोग करना चाहिए। आप ही का परिवार है और आप अपने परिवार का भी सहयोग कर रहे हैं। आप परिवार का और बोलें कुछ लवा लवा हमारे कहना जी क्या संदेश देंगे? मैं पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षक समाज से कहना चाहूँगा कि ये मानवीय स्वभाव आप किसी भी जान करना चाहिए। सभी में कहा गया है कि अपने जीवन का एक अंश, अपनी कमाई का एक अंश, अपने समय का एक अंश जरूर दें। मैं सभी सम्मानित शिक्षकों से अपील करूँगा अपने लिए नहीं अपने शिक्षक परिवार के लिए अपने शिक्षक साथियों के लिए इस संस्था से जुड़ जाएं। आपका 100 रुपया किसी परिवार के लिए 20 लाख रुपए बनता है और उस दुखद घड़ी में उस दुख को कम करने का काम करता है, मरहम का काम करता है। उत्तर प्रदेश में लगभग 10 लाख शिक्षक कार्यरत हैं बेसिक और माध्यमिक मिला के। अगर सारे लोग जुड़ जाते हैं और हम 10 रुपए का भी सहयोग करते हैं तो 1 करोड़ की मदद की।